हेलो राइडर्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 4 अपकमिंग बाइक के बारे में जो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 2024 में लॉन्च होने वाली है। और आज जो बाइक के बारे में हम बात करने वाले हैं, सभी बाइकों का काफी लंबे टाइम से टेस्टिंग चल रहा है, बाइकों का लॉन्च होना कन्फर्म हो चुका है और ये बाइक बहुत ही जल्द इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले की सभी बाइक इंडिया में कब तक लॉन्च होगी, बाइक का प्राइस क्या होगा, बाइक में आपको क्या कुछ फीचर देखने के लिए मिलेगा, सारा कुछ आज के वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को स्किप या मिस बिल्कुल मत करना। मेरा नाम अनमोल और आप देख रहे हैं 4 व्हील। बात करें नंबर 4 वाली बाइक के बारे में तो वह है बजाज की पल्सर RS 200। दोस्तों बजाज कंपनी जिस तरह अपनी बाकी सीरीज को अपडेट कर रही है, एन सीरीज या फिर NS सीरीज को, उसी तरह बजाज कंपनी अपनी RS में भी अपडेट करने वाली है। अगर हम सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा, बाइक के जो इंडिकेटर है LED में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। अगले अपडेट के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, कॉल SMS, स्टैंड अलार्म जैसे कई सारे फीचर्स। बाइक में आपको नए कलर, नए ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक का जो लुक है दोस्तों कम्प्लीटली चेंज होने वाला है, बाइक में आपको नए कलर कॉम्बिनेशन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। बाइक के अगर सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको USD फोक सस्पेंशन देखने को मिलेगा और बाइक के रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर ब्रेकिंग सेटअप की बात करें तो बाइक में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा, लेकिन बाइक में ना आपको N250 जैसा ABS में मोड भी देखने के लिए मिल सकता है जो कि काफी अच्छी बात है। बाइक में आपको वही 200cc का इंजन देखने को मिलेगा जो कि 4 स्ट्रोक 4 वाल लिक्विड कूल इंजन होने वाला है जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 24.1 BHP की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 18.7 Nm की। बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा जो कि पहले ही देखने को मिलता है। अगले अपडेट के बारे में बात करें तो वो होगा बाइक के टायर साइज में। बाइक के फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिलेगा और बाइक के रियर में आपको 140 सेक्शन का वाइड टायर देखने के लिए मिल जाएगा ताकि बाइक का ग्रिप और अच्छे से पकड़े और बाइक और फास्ट हो सके। बाइक में आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिलेगा। ये बाइक आपको सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर 30-35 KMPL का माइलेज आराम से दे देगी। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा जो कि BS6 फेज 2 वाला इंजन होगा। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो इस बाइक का प्राइस 2,000-3,000 पे ज्यादा बढ़ सकता है। अगर उस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 2024 के मिड में देखने के लिए मिल जाएगा। करेगा नंबर 3 वाली बाइक के बारे में तो वह बजाज के पल्सर N125। इस बाइक को भी टेस्टिंग के दौरान देखा गया था जिसमें जो इस बाइक की जो डिटेल है वो भी लीक हो चुकी है। सबसे पहले बात करें इस बाइक के लुक के बारे में तो बाइक का जो लुक है पहले के मुकाबले काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। सबसे पहले बाइक के फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा, बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। इसी के अलावा बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिलेगा जो कि काफी बढ़िया बात है। अगर हम बाइक के ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, बाइक में आपको 5-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 125cc का 4 स्ट्रोक 2 वोल्ट DTSI इंजन देखने को मिलेगा जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 12 BHP का, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 11 Nm की। इसी के अलावा बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ राइडिंग मोड और USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया जाएगा जिससे आप अपना फोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। अगर हम बाइक के सस्पेंशन सेटअप का अगर हम बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक और बाइक के रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा जो कि BS6 फेज 2 वाला इंजन होगा। अगर उस बाइक के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 1,20,000 के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में। अगर उस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 2024 के अगस्त में देखने के लिए मिल जाएगा। अगली जो बाइक है दोस्तों वो AVD कैटेगरी में जो कि हीरो की एक्सपल्स 400। ये बाइक दोस्तों इंडिया की मोस्ट अवेटेड बाइक में से एक है और इस बाइक की टेस्टिंग काफी लंबे टाइम से चल रही है। अगर हम दोस्तों बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 400cc का लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 35 BHP तक की। दोस्तों बाइक के अगर डिजाइन और लुक के बारे में बात करें तो बाइक का जो डिजाइन है वो आपको एक्सपल 200 के जैसा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बाइक काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है एक्सपल 200 के मुकाबले। बाइक के अगर सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक सस्पेंशन देखने को मिलेगा और बाइक के रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक में आपको ऑल LED हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा, बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मैनुअल, डुअल चैनल ABS जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक में आपको राइडिंग मोड, नेविगेशन और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। 18 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिलेगा। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो आपको 830mm तक देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा जो कि BS6 फेज 2 वाला इंजन होने वाला है। बात करेंगे इस बाइक के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में तो ये बाइक आपको 2,17,000 के एक्सोरूम प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में। अगर हम इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 2024 के मिड में देखने के लिए मिल जाएगा। तो बात करें सबसे पहले वाली बाइक के बारे में, हीरो की एक्सपल्स 210 है। इस बाइक की काफी टाइम से टेस्टिंग चल रही है, ये बाइक भी बहुत ही जल्द इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। दोस्तों बात करें बाइक के इंजन के बारे में तो बाइक में आपको करिश्मा XMR 210 वाला इंजन देखने को मिलेगा जो 210cc का 4 स्ट्रोक 4 वाल लिक्विड कूल इंजन होने वाला है जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 25.1 BHP की, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा
20.5 Nm। बाइक में आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बाइक की अगर लुक के बारे में बात करें तो बाइक का लुक आपको एक्सपल्स 200 जैसा देखने को मिलेगा, लेकिन बाइक थोड़ी सी बल्की भी देखने को मिल सकती है। बाइक के अगर सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक और बाइक के रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। फीचर्स के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डुअल चैनल एबीएस, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉल अलर्ट, एसएमएस अलर्ट, स्टैंड अलार्म, राइडिंग मोड जैसे कई सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। बाइक में आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। बात करें बाइक के प्राइसिंग के बारे में तो ये बाइक आपको 2 लाख के प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में। अगर हम बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 2024 के थर्ड क्वार्टर में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों आपको इन सभी बाइक में से कौन सी बाइक अच्छी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन